आज आपके लिए हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना के लाया हूँ। आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में। ये गवर्नर जनरल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से लेक्चर सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश इंडिया, और ये जो पूरा ब्राउन कलर से शेडेड एरिया है ना, ये पूरा पहले ब्रिटिश रूल था। यहाँ पे ब्रिटिशों ने राज किया था। आप नीचे देख सकते हैं श्रीलंका, वेस्ट में आप पाकिस्तान, ईस्ट में पूरा म्यांमार तक ये ब्रिटिश रूल था। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था वो 1773 से 1785 के बीच में था। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या किया। ये जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, इनने ड्यूअल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट चल रहा था उसको हटा दिया। इनने इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया कलकत्ता में 1774 में, और इनने विलियम जॉन्स के साथ मिलकर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन रखा, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया। किसके साथ मिलकर? विलियम जॉन्स के साथ, वह भी सन 1784 में। इनने चार्ल्स वेलकिन को बोल के गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में दो इंपॉर्टेंट वॉर हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो 1776 से 1782 के बीच में हुआ था, और ये वॉर होने के बाद ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन हुई थी। और इनके टाइम में एक और वॉर हुआ था जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से लेकर 1784 में, और उस टाइम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, इनके टाइम में एक और वॉर हुई थी, रोहिलिया वॉर 1774 में। और जो वॉरेन हेस्टिंग थे ना फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग ने हिंदू और मुस्लिम के जो लॉ थे, जब उनके जो लॉ कुर्तिया सोसाइटी में चलते थे, उसको रिवाइज कराया था, वापस से कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। और इनने दीवानी और फौजीदारी अदालत सेटअप किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनने सरदार दीवानी और निज़ाम अदालत लोकल लेवल पे स्टार्ट किया था। मैं बताता हूँ ये सरदार दीवानी के, ये बेसिकली में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता था, जो जस्टिस के कोर्ट होते थे, जैसे आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनने कोर्ट, और लोकल लेवल पे भी इन्हें एल्फ्रेड कोर्ट को सेटअप करवाया था। अब चलिए हम इंपॉर्टेंट एक सेकेंड जो गवर्नर जनरल है उनके बारे में जान लेते हैं, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस का टाइम पीरियड था 1786 से 1793 तक, और इनने इज्जेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था 1773 में। हालांकि तब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, मगर ये सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और इनने 1773 में इज्जेदारी सिस्टम को सेटअप किया। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने 1786 से लेकर 1793 के बीच में इनका टाइम पीरियड था जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब इनने एक और इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, इन्हें परमानेंट सेटलमेंट को लाया। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है दोस्तों? परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली में जो जमींदार थे ना पहले, जो बंगाल के जमींदार थे, उनको कुछ टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर को उनके सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो वो परमानेंट सेटलमेंट कहलाता था, और इनको बोलते फादर ऑफ सिविल सर्विस, इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोलते थे। इनने क्या किया था कि स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया था, और हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट अराउंड 400 स्क्वायर माइल्स के एरिया में आता था, उसमें एक पुलिस सुपरिटेंडेंट को अपॉइंट कर दिया था कि वहाँ का पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं इन इंडिया, ओके। इनके टाइम में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, और तब ट्रीटी ऑफ श्रीगपत्नम साइन हुआ था, ओके फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। और इनने क्या किया था, इनने बेसिकली में रेवेन्यू, जो रेवेन्यू सिस्टम था ना, उसको जस्टिस, पहले रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन एक ही साथ था, और फिर उनने अपने टाइम में, इन्हें 1793 में, इन्हें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब जानते हैं हम लॉर्ड वेस्लीसी के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, आप ध्यान में देखिएगा। हमने अभी देखा वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवेलिस और लॉर्ड वेस्ली, ये तीनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। तो जो ये इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनका टाइम पीरियड था 1789 से 1805 के बीच में इनका टाइम पीरियड था। इनने क्या किया, इन्हें सब्सिडरी अलायंस लेके आए, ठीक है, इनने सब्सिडरी अलायंस लेके आए। और इनके टाइम में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में, जहाँ पे टीपू सुल्तान मर गए थे, ठीक है। और इनने पहले जो सब्सिडरी अलायंस, इन्हें निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ साइन किया था, उसमें क्या था कि जो हैदराबाद था, वो हैदराबाद पूरा ब्रिटिश का हो गया था, ठीक है। इनने एक और इंपॉर्टेंट काम किया था, इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज को कलकत्ता में बनवाया था, 1800 में बनवाया था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। और इनने एक और, इनको बोला जाता था, बहुत फेमस थे बंगाल टाइगर के नाम से, लॉर्ड वेस्ली बहुत फेमस थे, ठीक है फ्रेंड्स।
और इन्हें एक और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि ये सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 लाए थे, और जब वो मीडिया थी ना, प्रेस थी, उसको इन्हें बैन कर दिया था कि इन लोग मतलब कुछ भी ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं और कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख नहीं सकते थे। तो ये सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में लाके इन्हें प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ओके फ्रेंड्स, चलिए इनके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आते हैं, मगर उनके बारे में उतना नहीं जानना है, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, इनके बाद भी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक और आते हैं, लॉर्ड मिंटो, जो 1807 से 1813 तक थे, 1813 तक थे, उनने चार्टर एक्ट लगाया था 1813 लाके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिए थे। बस इतना ही जानना है। अब हम आ जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अभी तो हम जितना पढ़ रहा रहे हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1828 से 1835 में, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किससे बने, चार्टर एक्ट 1833। फ्रेंड, ब्रिटिश हर 20 साल पे चार्टर निकालते थे, वो चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बना दिया गया इंडिया का, ठीक है। अब जान लेते हैं इनने क्या किया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी बोला जाता है इंडिया में। इनने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर आए, इनने इंग्लिश कंपलसरी कर दिया अपने टाइम पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक काम जो किए थे, इनने सती, जो सती प्रथा चली आ रही थी ना, उसको इनने हटा दिया था 1829 में। इन्हें सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था, और इसमें जो इनका सहयोग दिए थे राजा राम मोहन रॉय भी दिए थे, जो ब्रह्मो समाज के फाउंडर है, उनने इनका हेल्प किया था सती को हटाने में, ठीक है। इनने तुगी भी इनने हटा दिया था, तुगी 1830 में हटा दिया था। फ्रेंड्स मैं बता दूँ, तुगी बेसिकली में क्या होता है ना, कि जो औरतों पे अत्याचार होता था, गला घोट के मार देते थे औरतों को, तो वो जो कुर्तियाँ थी सोसाइटी में, उसको भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हटा दिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बेसिकली में एक लिबरल और एक बहुत अच्छा गवर्नर जनरल बोलते थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौसी। ये बहुत एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इनका टाइम पीरियड आप ध्यान से देख लीजिए, 1848 से लेके 1856 में इनका टाइम पीरियड था लॉर्ड डलहौसी का। इनने बहुत इंपॉर्टेंट, जो इनके टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुए थे, इनने टाइटल को हटा दिया था, जो टाइटल मिलते थे ना महाराजा, ये सब टाइटल को इन्हें हटा दिया था। इनने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड डलहौसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया था। मैं बताऊंगा आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। बेसिकली में पहले क्या होता ना फ्रेंड, जो रियासतें, जो अंपायर, जहाँ पे हिंदू राजा राज करते थे, अगर उनकी कोई संतान नहीं है, मान लो कोई एक राजा राज कर रहे, जैसे झांसी की रानी, उनकी खुद की अपनी संतान नहीं थी, उनने अडॉप्ट किया था चाइल्ड को, तो अगर झांसी की रानी मरेंगी तो उनका जो अडॉप्ट सन होगा उसको राज्य नहीं मिलेगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाएगा। या बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे किसी का वारिस नहीं है, उस राज का कोई वारिस नहीं है, तो जो किंगडम है वो ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। तो जैसे ऐसे बहुत सारे किंगडम को इनने अपने अंडर में ले लिया था, बहुत सारे, जैसे संबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, इनने इसको क्या किया, अपने में डॉक्टर ऑफ लैप्स के हिसाब से अपने में शामिल कर लिया ब्रिटिश किंगडम में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इनके बारे में बता देता हूँ, इनने रेलवे सिस्टम, जो रेलवे सिस्टम होता है ना, इनने 1853 में रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। पहली रेल चली थी मुंबई से लेके थाने में 1853 में, और पहला टेलीग्राफ भी 1853 में आया था कलकत्ता से लेके आगरा, पहला जो टेलीग्राफ भेजा गया था कलकत्ता से लेके आगरा 1853 में, और पहला पोस्टल भी सिस्टम भी 1853 में आया था। फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात देते हैं, इन्हें विडो रीमैरिज जो एक्ट था 1856 में इन्हें लेके आए, विडो रीमैरिज एक्ट। मतलब पहले क्या होता था कि जो औरतें का, जो औरत थी, जिन जो औरतें थे उनके हस्बैंड मर जाते थे तो उनको शादी का अधिकार नहीं था, बट लॉर्ड डलहौसी ने उनको शादी का अधिकार दिया। तो ये विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के तहत औरतों को वापस शादी करने का अधिकार मिला। तो चलिए ये था कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा लेक्चर, और आपको अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिए।